आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो डिबेट है वो होने जा रही है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणामों पर, और साथ ही साथ एक अलग तरह की व्यवस्था को दिखाते हुए कर्नाटक के जो चुनाव के परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं वो भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है। निकाय चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने अपने कथन के मुताबिक यहाँ पर 17 नगर निगम जीतकर स्पष्ट कर दिया कि जो उन्होंने कहा था वो यहाँ पूरा करके दिखा दिया है। और जिस तरह से राजधानी लखनऊ में 80 पार्षदी के पद जीते हैं ये भी एक इतिहास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष को नुकसान किया है वो भी अपने आप में बड़ी जीत है। नगर पालिकाओं की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 89 नगर पालिका जीत ली है वर्तमान में। समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगभग 10 के नुकसान में है, पिछली बार 45 जीती थी, इस बार महज 35 जीत पाई है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 8 सीट के नुकसान में है। और अगर हम बात करें नगर निगमों की तो 17 में से किसी भी पार्टी को इस बार मेयर पद पर जीत हासिल नहीं हुई है। विपक्ष की बात कर रहा हूं, सत्ता पक्ष ने 17 नगर निगम यानी 16 थे, इस बार शाहजहांपुर मिला के 17 हुए थे, और 17 के 17 पर बीजेपी की विजय पताका लहरा गई है। तो यहां पर निकाय चुनाव इसकी संजीवनी आगामी 24 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगी। पर एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है जिस तरह से यहां पर कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है वो भी अब चिंता की बात है। कर्नाटक की हार का जिम्मेदार कौन है? जल्दबाजी, क्योंकि अगर प्रचार की बात करें प्रचार तो बहुत हुआ, बड़े लेवल पे हुआ, पर शायद जनता के बीच अपनी बात समझा नहीं पाए। कारण क्या रहा है किसी को नहीं पता है, पर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और चर्चा की शुरुआत आपको देशबंधु दीक्षित नेता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोस से अंकुर सक्सेना अपनी बात रखेंगे, और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर दिलीप हर्षवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा देशबंधु भाई से रहे। देशबंधु भाई, कहीं खुशी कभी गम, खुशी निकाय चुनाव की और गम कर्नाटक का, मानना पड़ेगा यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं गम नहीं है। जितनी खुशी हुई है निकाय चुनाव को लेकर तो कर्नाटक का गम इसलिए भी है, पर गम इसलिए भी है क्योंकि 24 चुनाव के पहले अगर हिमाचल हार रहे हैं, पंजाब हार रहे हैं, और उसके बाद कर्नाटक हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए अब चिंता का विषय है। कैसे देखते हैं इस हार को और कैसे देखते हैं इस बड़ी जीत को? जी, आज की प्रमुख चर्चा में आपने जैसा कि विषय उठाया कि कहीं खुशी कहीं गम, तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने इतना भारी मैंडेट दिया जी, और यह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। इसके लिए मैं मीडिया टीम को, शासन को, प्रशासन को, मुख्यमंत्री को और उत्तर प्रदेश के भाजपा के सभी कर्मठ और मेहनत की पराकाष्ठा चुनने वाले अनेक सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं और जनता को विशेष रूप से प्रणाम करके उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो हाँ वहां पर हम चुनाव हारे हैं जी। और कांग्रेस को वहां पे सरकार बनाने के लिए मैं बधाई देता हूं। अच्छा। और रही बात वहां की हार की बात, तो हम मंथन करेंगे कि आपने कहा कि मेहनत हमने बहुत की, कुछ कदम पीछे जरूर रह गए, और देखिए आज विषय इस बात का हम बैठेंगे और इस बात पे मंथन करेंगे कहाँ हारे। लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से जनता की सेवा के लिए लगा हुआ। चुनाव में कहीं जीत कहीं हार होती भी है जी। तो जहाँ जीत को हम सहर्ष जिम्मेदारी मानकर स्वीकार करते हैं, वहीं जहाँ हार हुई अपनी कमियों पर सुधार करने की कोशिश करते हैं जी। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का ही फैसला अंतिम फैसला होता है जी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः धन्यवाद देता हूँ जी। और महाराष्ट्र में जो कमियां हुई जी, उस पर हम बैठ के मंथन करेंगे। अभी तो आप भी जानते हैं आज दिन भर व्यस्तता रही, आप भी व्यस्त रहे
क्या कमियां रह गई और क्यों हम कुछ पीछे रह गए, या हो सकता हम अपनी बात नहीं समझाने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आज जो खुशी मनाने का, और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और जो मैंडेट दिया कर्नाटक जनता को क्या बोलेंगे, कहा जाता है कि कर्नाटक जनता को क्या बोलेंगे, भाजपा को ये कह के विपक्षी बदनाम भी करते हैं कि हम शहरों की पार्टी हैं। तो देखिए 17 के 17 पिछली बार 2 जीते थे, 16 में हम 14 जीते थे, बस शहर की पार्टी नहीं बोलेंगे भाई। इस बार नगर पंचायत पिछली बार आपने 438 नगर पंचायत में 100 जीती थी, इस बार 200 ही जीती है। हाँ गौरव जी, लेकिन इस बार देखिए आपने नगर पालिका और नगर पंचायत में भी हमने जी बेहतर प्रदर्शन किया है जी। और आपको बता दें ये जनता के साथ हमारे जुड़ाव की और भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, और ट्रिपल इंजन की सरकार जनता की सेवा में तत्पर रहेगी और जो काम हमारे चल रहे थे उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है ठीक है। बे पांडे भाई, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान मेयर पद पे हुआ है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि 2 से 3 सीटें इस बार वो जीतेंगे, पर जीत नहीं पाए। पर अगर हम बात करें अन्य आंकड़ों की तो नगर पालिका में नुकसान हो गया है। पिछली बार समाजवादी पार्टी 45 सीट जीती थी, इस बार 35 पे रह गई है, 10 सीटों का नुकसान हुआ है। पर अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ हुआ है। पिछली बार केवल महज 83 सीट जीती थी, पर इस बार 87 है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार 438 नगर पंचायत पर चुनाव हुआ था, इस बार 540 पर चुनाव हुआ, और 540 यानी लगभग 102 सीटें बढ़ी नगर पंचायत की, और उन सीटों को बढ़ने पर सपा को महज 4 सीटें मिल पाई, क्योंकि 83 का आंकड़ा पिछली बार का है, तो कहीं ना कहीं चिंता के विषय की बात है। और जिस तरह से महत्वपूर्ण चर्चा विषय ये भी है कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश भी गए, कर्नाटक दौरे पे गए, पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिलों में वो प्रचार करने ही नहीं गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचुनाव भी था स्वार सीट और मिर्जापुर की 96 सीट, और दोनों जगह पे भी मुझे ऐसा लगता है कि सपा द्वारा बाखोबर दे दिया गया, कहीं प्रचार करने अखिलेश यादव नहीं गए और ना ही उनके सहयोगी जयंत चौधरी गए, जबकि अगर जाते तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। क्या मानते हैं कि समझ चुके हैं कि निकाय चुनाव में जादू नहीं चलना है, उपचुनाव में हम हारने जा रहे हैं इसलिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ये वही उपचुनाव है जिसमें खतौली, रामपुर और कन्नौज में हुआ था, तो कन्नौज और खतौली में भाजपा को हराते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन दल ने वहां पर जीत हासिल की थी, कन्नौज में सपा ने और खतौली में उनके संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने, रामपुर हार गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रचार की कमी रह गई, या जारमूज के बाखोवर दिया गया, या निकाय चुनाव से महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार उनको कर्नाटक या मध्यप्रदेश का नजर आया। देखिए गौरव भाई जी, मंच को पहले तो मैं विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ, आज जीते हुए सारे प्रत्याशियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और जो प्रत्याशी नहीं जीत पाए उनको मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगामी तैयारी के लिए वो तैयार रहे। विशेष धन्यवाद समर्पित करूंगा मैं आज आम आदमी पार्टी को जिस जो कि 4 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में उसने अपनी एक ओपनिंग बैटिंग शुरू की है, और इसके साथ ही एक बात जान लीजिएगा, जिस पर पूछने के पहले फड़फड़ाता हुआ था। अच्छा, जिस तरह से आज मेयर की बात हो रही है, आपको याद होगा एक इलेक्शन पूर्ववर्ती चुनाव में इसी तरह 10 की 10 सीटें आजमगढ़ की विधायकों के चुनाव में हम निकालने के लिए गए। जी जी, तो मुझे लगता है देखिए चुनाव जीतना चुनाव हारना मानक उद्देश्य ये नहीं है, मानक उद्देश्य इस समय ये है कि हमें भाजपा को हटाना है। अच्छा, और 2023 की आगामी हमें समझ में नहीं आया होती थी ना। अच्छा, हमें समझ नहीं आया जी। हाँ तो ला रहा हूँ, मैं वही ला रहा हूँ, जो अच्छा। आगामी रणनीति नहीं होती थी, जो कहा जाता था अखिलेश जी दक्षिण की यात्रा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, दक्षिण यात्रा का परिणाम देखिए सामने आ चुका है, तो अखिलेश जी की यात्रा के परिणाम है ये। अच्छा अच्छा, अरे आगे सुन लीजिए भाई, सुना दीजिए, विपक्ष तो विपक्ष ही रहेगा। अच्छा अच्छा, चाहे सत्ता के लिए वो विपक्ष कितना भी बुरा हो, विपक्ष तो एक ही होता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है अगर पूर्ववर्ती चुनाव की भी तुलना करते हैं आप, तो मुझे लगता है 2017 और 2023 के आंकड़े देख लीजिए, नगर पंचायत अध्यक्ष 2017 में 83 थे, आज 143, और विपक्ष की अन्य की अगर भाजपा की तुलनात्मक दृष्टि से देखे जाए तो मुझे लगता है, आप बताइए भाजपा चुनाव अच्छा लड़ी है कि बुरा लड़ी है, क्योंकि संख्यात्मक रूप से भी सीटें जो है भाजपा की घटी है। अच्छा, और वोट प्रतिशत भी घटे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब संख्या में कैसे घटी बता दीजिए जरा जी, संख्या में कैसे घट गई बता दीजिए मुझे जरा भाई।
आपको ये सोचना पड़ेगा, पिछली बार बीजेपी 100 सीटें जीती, इस बार 201 जीत के बैठी है भाई। सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए जी। नगर पालिका में 199 में बीजेपी को 84 मिलती है, विपक्ष को 121। ठीक है, अब वो विपक्ष चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अच्छा अच्छा अच्छा, हम सब एक हैं जी, बिल्कुल हम सब एक है। विपक्ष तो विपक्ष होता है, भाजपा ही कहती है ना, अच्छा, कि विपक्षी विपक्षी वो सभी को काम करती है, तो विपक्षी तो एक रहेंगे। अच्छा अच्छा, भाई जब भाजपा विपक्ष में थी 15 साल सत्ता के बाहर थी, तो भाजपा ने भी यही किया था। अच्छा, तो इसमें बुरा क्या है भाई, ये तो विपक्ष का धर्म है। अच्छा, एक होकर के सत्ता की मनमानियों को, राजनीतिक मनमानियों को हटा करके सामंतवादी विचारधारा को खत्म करना और इस देश के लोकतंत्र को बहाल करना। अच्छा भाई, भाजपा आज मुझे लग रहा है भाजपा वालों के लिए सबसे हास्यप्रद चीज है कि ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। अच्छा, इनके लिए तो स्थिति इतनी, आप अच्छा, आपको खुशी, आपको खुशी इस बात की हो रही है विपक्ष जीत गया, पर इस बात का दुख नहीं हो रहा कि नगर पालिका में समाजवादी पार्टी 45-35 पे आ गई, ये दुख नहीं हो रहा आपको? ये दुख भी नहीं हो रहा आपको नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी 83-78 पे आ गई, ये भी दुख आपको नहीं हो रहा है? यानी आम आदमी पार्टी जीत गई है, निर्दलीय जीत गई, बसपा जीत गई, उसका खुशी है आपको, सपा गम नहीं है आपको? जी बोलिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बता दूं, भाजपा चुनाव कैसे लड़ी, रायबरेली की घटना आपके सामने थी, एक 22 मुकदमों में वांछित अपराधी, इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर, इतनी गंभीर धाराओं में जिसके ऊपर मुकदमे हैं, हाँ। वो फॉर्चुनर, ब्लैक फॉर्चुनर से आकर के गाड़ी थाने के अंदर खड़ी करके जिस तरह से बेअंदाजी से उतर के वीडियो बना रहा था और गालियां दे रहा था, इस तरह के अपराधियों को लेकर के हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना, तो अच्छा, कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था उस घटना के बाद से कि ये चुनाव पूरी तरह से, आपके विधायक वहां पर पूजा कर रहे थे क्या, आपके विधायक अमेठी में पूजा कर रहे थे क्या, आरती उतार रहे थे क्या? ये तो योगी जी ने कहा, अरे सुन लीजिए ना, योगी जी ने कहा था ना, अच्छा, एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरे गाल पे थप्पड़ नहीं मारने देंगे, अच्छा, स्वीकार करेंगे। अच्छा, तो हमने तो मैं पूछ रहे राकेश प्रताप सिंह आरती उतार रहे थे, पूछ लिया आपसे एक बार। अच्छा, आपके कहने का मतलब क्या है जी, एक वांछित अपराधी खड़ा होकर के जनता के बीच में लोगों के अंदर भय पैदा करे, और जो जनप्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना है वो वहाँ खड़े होकर के तमाशा देखे? अच्छा, पुलिस तो वहाँ मुख दर्शक बन के खड़ी थी, अच्छा, वो तो थाने के अंदर घटना हुई थी। अच्छा, और जिस तरीके से 22, अच्छा ठीक है, विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, भाजपा प्रत्याशी ने थाने की गरिमा को नहीं देखा, प्रशासन के सामने गालियां बकी, तो क्या राकेश प्रताप सिंह अमेठी के जो वहाँ विधायक हैं, क्या उन्होंने पुलिस का सम्मान किया, उन्होंने भी थाने में जाके वहाँ पर झापड़ मारे हैं? सिंह जी सुन लीजिए, हाँ, आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी वहाँ के चुने हुए निर्वाचित विधायक है, जनता के बीच रहते हैं, और वो पहले से थाने में बैठे थे वहाँ पे FIR लिखाने, हाँ, पुलिस वालों का दायित्व तो था जी। यही मैं आपको लाना चाह रहा था, जहाँ आप आगे चल करके, अच्छा, जिस तरीके से हमारी महिला प्रत्याशी की साड़ी खींची गई और वहाँ पे पुलिस एकजुट होकर के खड़ी थी, वहाँ पे थाने में बैठ करके विधायक खड़ा है, वहाँ पे विपक्ष का विधायक बैठा है, FIR दिखाने, उसकी FIR ना लिख करके, अच्छा, वहाँ पे गुंडे को बुला करके संरक्षित किया जा रहा था। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहिए, ये कानून व्यवस्था है बाबा की। अच्छा, और जो लिस्ट निकाली थी, क्या इस हिस्ट्री शीटर का नाम था उस लिस्ट में, बताइए ना आप। अच्छा, गुंडों के साथ चुनाव लड़ेंगे और बताएंगे कि हमने गुंडे खत्म कर दिए, अच्छा, अपनी गुंडा मानसिकता खुद खत्म करे जा करके। अच्छा, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है मान्यवर, पोस्टमार्टम अपनी आपको शायद पढ़े लिखे होते, आपकी भी डिग्री संदेहास्पद है जी। समाज समाप्तवादी का मतलब, समाप्त का मतलब समझते हैं आप, कांग्रेस मुक्त करते करते खुद मुक्त होते जा रहे हैं, अब आप समाजवादी पे आए? अभी 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 बीच में बीच में बीच में बोले बीच में पहला राउंड है, चुनाव में समाप्त कैसे किया जाता है? चलो ठीक है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी को खुशी इस बात की है कि विपक्ष जीता है, भले ही खुद का हार गया, यहाँ पर गम नहीं है, ठीक है, होना भी चाहिए। चलिए इस बार कम से कम आप अपने फिर गलत शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को यह खुशी है कि कम से कम भारत के लोकतंत्र के साथ खड़े होकर के हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। लीजिए, यहाँ पर आपको, आप कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, तीसरा मोर्चा बनाते हैं, अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करते हैं, कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं, आम आदमी पार्टी को आप लोग बीटी बोलते हैं, अब जीत के आ गए तो आप, हम सब एक हैं, ये कौन सी विचारधारा भाई? नहीं नहीं, राजनीतिक मर्यादा छोड़ दे क्या, हम भी भाजपा, अरे मैं क्या बोला, छोड़ दो, प्रकाश बीटी बोलते हैं, सुन लीजिए, अरे गौरव भाई सुन लीजिए, मत दीजिए, सुनिए, 92 गालियों की जगह, 92 गालियों की जगह अगर 92 काम गिनाए होते ना तो शायद वोट मिल गया होता। चलिए ठीक है, अब कौन कितना गिनाया है सबको पता, ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी, तकी भाई लीजिए, आपको सबसे अच्छी रात की साहस ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक भाई ने हम सब एक का नारा दे दिया है, देखिए आपके लिए एक आपके लिए हरी झंडी है कि आप जुड़ जाइए, अब आपको बी टीम नहीं बोलेंगे ये लोग, ठीक है, खुश रह लीजिए, और फिलहाल आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी यहाँ पर संतोषजनक रहा है, मैं कतई नहीं कहूँगा खराब रहा है, पर जो उम्मीद जताई रही थी उतना नहीं मिला है, पर मिला है, जनता ने कुछ दिया है, विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ ना मिला हो, सत्ता चुनाव में भले ही कुछ ना मिला हो, 22 में भले ही कुछ ना मिला हो, पर इस बार चेयरमैन भी बने हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने हैं, और तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आप जीत कर आए, बधाई की बात। बोलिए, देश के निवासी सभी जन एक हैं, वेशभूषा भाषा चाहे अनेक हैं,
हम लोग पार्टियां अनेक हैं, स्टेट अनेक हैं, लेकिन अंत में जाके हम सब भारतवासी हैं। क्या बात है। चाहे वो भाजपा के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आपके कांग्रेस के हों, और भाजपा अगर चुनाव में जीती, 17 मेयर जीती, तो मैं उसको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। और जनता ने उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे वो पूरी उम्मीद है जो 17 मेयर चुनाव जीते हैं, वो 17 शहर जो है पूरी तरह से डेंगू से मुक्त होंगे, प्रदूषण से मुक्त होंगे, कचरा से मुक्त होंगे, नालियां अच्छी बनेंगी, साफ पानी मिलेगा, वहाँ के अस्पताल ठीक होंगे, वहाँ अस्पतालों में बेड होंगे, हर व्यक्ति को लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा। हर व्यक्ति को लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ जनता का काम होगा, क्योंकि जीत जो होती है महिमा मंडन के लिए नहीं होती। जीत किसी को राजा बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने नहीं होती। जीत इसलिए होती, जो भी आदमी जीते वो जनता का काम करे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन है, वही राजा है। और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा है कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करेगी, और हम कांग्रेस से और बसपा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आज हमें खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस नगर निगम चुनाव में हमने बसपा से और कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया है, और हम अब भाजपा और सपा के बाद तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आए हैं। और अगर ऐसे ही आम आदमी पार्टी बढ़ती रही, बहुत जल्द हम दूसरे विकल्प के रूप में भी उभर के आएंगे। अच्छा, और जनता की आवाज को लगातार उठाएंगे। भाई, मेरा सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि 17 नगर निगमों में डेंगू मुक्त होगा, कचरा मुक्त होगा, सड़कें अच्छी होंगी, प्रदूषण मुक्त होगा, तो जहाँ जीत कर आए वहाँ की बता दीजिए, वहाँ पर क्या क्या होगा? जहाँ आप हमारी पार्टी को जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ हमेशा हम उससे अच्छे सवाल पूछेंगे। आपकी तारीफ करता हूँ, क्या अच्छे सवाल पूछते हैं आप उससे। आइंदा टफ सवाल पूछेंगे, कठिन क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता निभाएंगे। आम आदमी पार्टी 7 चेयरमैन के चुनाव जीती है। आम आदमी पार्टी टोटल 110 सभासद और पूरा चुनाव में समय उम्मीदवार जीते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ प्राइम टीवी के जरिए इस बात को हर व्यक्ति तक पहुँचा दी उत्तर प्रदेश में कि आम आदमी पार्टी जीती हुई सीटों पर ऐसा काम करेगी जो आने वाले वक्त के लिए मिसाल बनेंगे। अब इन सीटों के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल उतारेंगे उस क्षेत्र में। कूड़े के पहाड़ 15 साल के बीजेपी राज के दौरान आए हैं, जिसपे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी हटाएंगे। राजपाल को लेके और हमारे सीएम को लेके वो भ्रम ही सुप्रीम कोर्ट ने मिटा दिया है। अब आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से दिल्ली में काम करेगी। अरविंद केजरीवाल बोले थे वैसे ही काम जी, अरविंद केजरीवाल बोले थे आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री कि 2025 से यमुना साफ कर देंगे। कूड़े के पहाड़ के लिए आपका क्या कहना, कब तक साफ कर लेंगे? देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं जो आम आदमी पार्टी ने कहा हो किया नहीं। अच्छा अच्छा, हम बहुत जल्द, आप देखा प्रदूषण इतना लगातार फैल रहा था दिल्ली के अंदर, और पिछले कुछ महीनों में जो प्रदूषण के रिजल्ट नतीजे आए हैं वो बहुत बेहतर आए हैं। अच्छा। आपने प्रदूषण फ्री बहुत सारे दिन दिए हैं जो 10 सालों में पहली बार हुआ है। सड़कें हम जो है सर्दी का वेट कर रहे हैं, इस सर्दी में भी हम उसको कम करेंगे। सर्दी में इस बार आंकड़े सही आए थे, अच्छे आए थे। और अपने पंजाब में जो है वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, किसान अब आम आदमी पार्टी के साथ है, वो परोली नहीं जलाएंगे और वहाँ हम यूज करेंगे उसको, उससे प्लाई बनाएंगे, उससे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी काम के लिए, जनता के काम के लिए प्रतिबद्ध है और काम करेगी। और लगातार हम ये बीजेपी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, हर पार्टी को ये साथ दिलाते आएंगे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, जनता के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करना है, जनता की जिंदगी को आसान करने आए, जनता पे राज करने या हुकूमत करने भाई नहीं आए। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, बे पांडे बोले थे हम सब एक हैं, और यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबको एहसास कराने लग गए। तो एक वो एकता की बात करते हैं, अरे विखंडन की बात करते हैं, एकता के भंग हो जाती क्या? किसी को अच्छी बात का एहसास कराने से आपकी तारीफ कर रहे थे, आपने पूरा मटिया कर दिया भाई। अच्छा काम कराने से एकता मजबूत होती है। अच्छा, अगर मैं आपको अच्छा प्रेरित करूँ तो एकता मजबूत होगी, इसमें एकता भंग कहाँ से होगी? ठीक है, बताएंगे बारे में, नाराज कर दिया आपने उनको। ठीक है, ठीक है, चले ठीक है। प्रवक्ता रालोर, अंकुर भाई चुनाव के परिणाम सामने हैं और स्वार सीट और छानवे के परिणाम भी सामने हैं। खतौली में एक तरह से जिस तरह से जयंत चौधरी ने जनसभाएं और घर घर वोट मांगे थे, उसका परिणाम भी मिला था, पर स्वार पर इस बार मेहनत नहीं की गई। क्या अंदरूनी दिक्कत थी, गए नहीं, प्रचार भी नहीं किया? और मेरा मानना है कि आपकी सहयोगी दल सपा और आपके द्वारा खुद उतना प्रचार नहीं किया गया जिसकी उम्मीद की जा सकती। क्या भाजपा को बाकोवर दे दिया निकाय चुनाव में?
या स्वार और छानवी सीट पर? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि अगर कोई भी जो कैंडिडेट होता है जब इलेक्शन लड़ता है तो पार्टी के फेस के साथ साथ उस स्थानीय विशेष कैंडिडेट का चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता बिल्कुल है। दूसरी बात है अगर कार्यक्रम आवाज थोड़ी सी गूंज रही है आवाज को सही करा आवाज ठीक किया जाए जी जी बोलिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो प्रत्याशी होता है देखिए हमारा राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और गठबंधन जो होता है तो उसमें सब लोग समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर साथ में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए स्वार हो या दूसरी जो विधानसभा हमारी सीट है तो वहां के अगर प्रत्याशी ने हमारा कार्यक्रम मांगा होता हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कार्यक्रम में इनवाइट किया होता या केंद्रीय नेतृत्व से कहा होता कि कार्यक्रम के लिए आप समय दीजिए तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल के जो तो आपका क्या मानना है अधूरी कला है क्या मेरा आपका क्या मानना अंदरूनी कलह है क्या अगले ज्यादा मांगे नहीं है? नहीं अंदरूनी कलह को आप इसको इस रूप में ना लीजिए अंदरूनी कलह भैया भाई हो सकता है जो नहीं नहीं इसको आप अन्यथा ना लें हो सकता है जो कैंडिडेट वहां पर लड़ रहे हैं अच्छा। उनको इस बात की क्या कहते हैं एहसास हो कि वो स्वयं में इलेक्शन जीत सकते हैं अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने जब कार्यक्रम ही नहीं लिया है तो हम लोग कार्यक्रम लिए बिना कैसे उसमें उपस्थिति सहभागिता कर सकते हैं आप बताइए। अच्छा तो कुल मिला के अगर अगर आप अगर आपका प्रत्याशी नहीं रहेगा तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ सभा करा लीजिए सभा करानी चाहिए हो सकता आपको लाभ मिल जाए। नहीं आप एक बार बताइए ना आपके परिवार में आयोजन है तो आप किसी को कहोगे ना कि भैया आप आमंत्रित है कोई बिना बुलाए थोड़ी पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा अगर आप प्रत्याशी है और आप प्रत्याशी किसी से नहीं कहेगा कि हमको प्रत्याशी पार्टी का है पार्टी बोल सकते समर्थन चाहिए अंकुर भाई प्रत्याशी पार्टी का है सपा का प्रत्याशी थे प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी क्या सपा के प्रत्याशी ने कार्यक्रम के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय लोकदल को कोई ऑफिशियल लेटर भेजा? अच्छा क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई यही अंदरूनी कलह बोल दी मांगा जी यही अंदरूनी कलह की मैंने बात कर दी जी। जब कोई आप कार्यक्रम नहीं मांगेंगे तो कोई कार्यक्रम कैसे दे देगा आपको? विवेक भाई समझ गए मेरी बात को ठीक है जी। आप लोग भाजपा की वाहवाही करेंगे और अरे मैं वाहवाही क्या कर मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे आपको क्या पता लग गया भाई विवेक भाई पूछ रहा हूँ जी की सीटें घटी है कि बढ़ी है पहले ये बता दीजिए मुझे। अरे मुझे तो अरे मुझे पता भाई भाई ये बताइए बेबे भाई मैंने सवाल अंकुर भाई से पूछा ठीक है आपका गठबंधन है तो दर्द क्यों हो रहा था भाई मैंने गलत पर पूछ लिया होता है गठबंधन है तभी गठबंधन है कितना जगह प्रचार किया आपने बता दीजिए अखिलेश यादव ने कितनी जगह प्रचार किया निकाय चुनाव में बागोपा ने लिया है जी बेबे भाई निकाय चुनाव में बेहतर हो सकता था अखिलेश यादव ने कितनी जगह प्रचार किया है मध्य प्रदेश कर्नाटक गए ठीक है अच्छी बात है 24 तैयारी करनी है पर निकाय चुनाव में अगर प्रचार करते तो चार कुछ पढ़ना और बेहतर नहीं आ सकते बेगवे भाई। देखिए उद्देश्य एक है बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटी तिलांजलि भी देनी पड़ती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हम जीतने मैं समझ गया मैं समझ गया ठीक है तिलांजलि ठीक है आप मैंने बाकवाल बोल दिया आपने तिलांजलि बोल दिया बाकी की है ठीक है। अमर भाई आपकी क्या राय है क्योंकि यहाँ पर सबकी राय का मूल्यांकन आप ही करेंगे बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया गौरव भाई की आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए अभी आपने कहा एक बड़ा बहुत देर से एक चीज चल रही वॉक ओवर जी ये पहली बार वॉक ओवर समाजवादी पार्टी का नहीं है भाजपा अच्छा, को अच्छा। इससे पहले आदमगढ़ और रामपुर भी दे चुके हैं लीजिए। जैन चौधरी का प्रोग्राम लगा भी था और उसको कैंसिल भी किया गया ये मेरे अंकुर श्रीवास्तव प्रवक्ता बैठे राष्ट्रीय लोकदल के बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आदमगढ़ भी नहीं जाने दिया गया था रामपुर भी नहीं जाने दिया गया। और अभी लेटेस्ट चुनाव देख लीजिए जो स्थानीय निकाय चुनाव हालांकि बिल्कुल सही बात यह है कि प्रत्याशी का चेहरा बहुत बड़ी चीज होता है स्थानीय और बल्कि स्थानीय निकाय ही क्यों विधानसभा में भी वो बात लागू होती है और लोकसभा में भी वो बात लागू होती है। राष्ट्रीय पार्टियां बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी एक अलग चीज है लेकिन स्थानीय जो चेहरा प्रत्याशी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आ जाइए मेहनत की बात जी। तो तीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हैं दो एक मुख्यमंत्री है दो उप मुख्यमंत्री प्लस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी। चारों ने मिला के कम से कम मुझे कुछ कमती बढ़ती 200 सभाओं के आसपास उत्तर प्रदेश में की स्थानीय निकाय चुनाव में। तो जैसे चुनाव लड़ा जाता है ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आठवां हिस्सा भी उन्होंने मेहनत की हो या इतनी सभाएं की हो। अब आ जाती कांग्रेस पार्टी और चौथी है बहुजन समाज पार्टी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा नेता ना कांग्रेस का आया गौरव जी, जी और ना ही बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया मायावती जी, जी वो निकली। मुझे नहीं लगता है कि जैसे प्रणाम दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ भले ही थपथपा रही हो लेकिन इसमें महत्वपूर्ण योगदान विपक्ष का भी है। सही बात है सच्ची बात यह कि विपक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है कि कुल मिलाकर के ये
भले पीठ थपथपा रहा हूँ, अपनी 17 उन्होंने मेयर जीत लिया, 17 मेयर ने 17 जीत लिया। देखिए पिछली बार जब चुनाव हुआ था गौरव जी 17 में, तो 17 में 16 मेयर हुआ करते थे, 14 बीजेपी थी और 2 बहुजन समाज पार्टी थी, और 3 जगह बहुजन समाज पार्टी सेकंड पर रही थी, 5 जगह कांग्रेस रही थी, 4 जगह सपा रही थी, 2 जगह बीजेपी रही थी, और 1 जगह एमआईएम की जो फिरोजाबाद की सीट है वहां पर एमआईएम की महिला प्रत्याशी थी, वो रही थी, वो मुस्लिम प्रत्याशी है। लेकिन इस बार अखिलेश जी ने उनको टिकट दे दिया, वो सपा प्रत्याशी हो गई। कुल मिला के सबका सुपड़ा साफ हो गया मेयर में, और टोटल 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी ले गई। लेकिन इसमें अगर ये कहिए कि बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम कर दिया गौरव जी, तो मेरी समझ से परे ही बात। अच्छा। इसलिए कि विपक्ष चुनाव लड़ा ही नहीं, अच्छा, पूरी तरीके से वॉकओवर दिया सबने, इसलिए कि और बीजेपी ने जितनी मेहनत करी है उसका 7वां हिस्सा भी किसी पार्टी ने मेहनत करी, और खासतौर से जो मुख्य विपक्ष है समाजवादी पार्टी, और जहां तक कर्नाटक की बात जी, जब अब जहां तक कर्नाटक की बात आ जाइए आप, तो देखिए कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम चाशनी ना हो। अच्छा। देखिए कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पे हुआ ही नहीं। अच्छा। कर्नाटक का चुनाव भी बीच में आने के बाद हिंदू मुस्लिम मुद्दा मोड़ने की एक नाकाम कोशिश की गई, और बड़ी कोशिश की गई। देखिए कांग्रेस का ऐलान था कि मैं पीएफआई और बजरंग दल को बैन करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं में वित्त प्रधानमंत्री के, उन्होंने उसको बजरंग दल बजरंग बली जी से मोड़ दिया। अब कहां बजरंग बली, कहां बजरंग दल, कहां एक देवता, कहां एक अराजक संगठन। तो बड़ा फर्क यह है गौरव जी कि आप इन्होंने पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम चाशनी में डुबोने की कोशिश करी है, और डुबोकर ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करी। लेकिन कर्नाटक की जनता गौरव जी बहुत समझदार है, वो इस झांसे में इनके आई नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश कर डाली, बजरंग बली पे बैन करने की बात करी, बजरंग दली को बैन करा जा रहा है, और यहां तक यह कह दिया गया जैसे श्रीराम को बैन किया गया था ऐसी बजरंग, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था गौरव जी। वहां मुद्दों पर चुनाव हुआ, कांग्रेस ने लड़ाए, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इनका सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, जिसको कांग्रेस ने एकदम से उछाला, बहुत तेजी से उठाया, लेकिन उन्होंने बहुत ध्रुवीकरण की कोशिश की। अमित शाह ने इतना बड़ा बयान दे दिया था कि वहां पर अगर नई सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आई, दंगे होंगे। क्या मतलब था इसका? या तो ये कहना चाहिए कि ये वार्निंग दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं दंगे कराऊंगा। क्या मतलब है इन बातों का गौरव जी, समझना पड़ेगा। योगी जी ने भी जाके लगभग ऐसे ही हमारे बयान हुआ दिए, और हद तो ये हो गई कि प्रधानमंत्री जी हमारे एक द केरला फिल्म के ऊपर भी वहां पर भाषण दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, एक फिल्म पहले बनवाई जाती है, उसका प्रचार किया जाता है। अच्छी बुरी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात तो कर रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री की वाणी में द केरला फिल्म का जिक्र आना, अब वो भी चुनाव, भाई मुद्दे नहीं आपके पास क्या? अरे आप विकास पे क्यों नहीं बात करते हैं, आप शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते हैं, आप स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात करते हैं? कुल मिलाकर के गौरव जी, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे यहाँ स्थानीय निकाय, आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव में अतीक अशरफ का मुखौटा नहीं लगाया गया, वो भी मुखौटा लगाया गौरव जी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन है। कुल मिलाकर बीजेपी मेहनत की है, पर यहाँ पर विपक्ष की शून्यता भी कुछ नहीं। बीजेपी ने मेहनत की और विपक्ष ने कोई मेहनत ही नहीं की गौरव जी, जिसका परिणाम है, वरना बीजेपी का तो सफाया हो जाता है। जो सीटें आई है ये वहाँ के जो प्रत्याशी है उनकी निजी मेहनत का नतीजा है जी, और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी की भी इतनी अच्छी सीटें निकल के आई। आम आदमी पार्टी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने वास्तव में जमीन पे मेहनत करी, प्रदर्शन भी किए, धरने भी किए, आज उसका परिणाम है कि आम आदमी पार्टी की भी सीटें निकल के आई। ताकि भाई आपके लिए राहत की सांस, ठीक है। दिलीप हर्षवर्धन जी, दिलीप भाई राजनीतिक मूल्यांकन क्या रहेगा इसका, बेहतर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कर्नाटक चुनाव के नतीजे, स्वार और छानवी के नतीजे और निकाय चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं, जिसके लिए लाभ और किसके लिए खतरे की घंटी, क्या मूल्यांकन है? गौरव जी, आपने शुरुआत करी थी कभी खुशी कभी गम या कहीं खुशी कहीं गम से जी। तो उत्तर प्रदेश की खुशी थोड़ी कम है जी, और कर्नाटका का गम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि कर्नाटका को ये कहा जाए, एक तो 224 एमएलए की बड़ी विधानसभा है वो जी, और 224 में से 136 सीटें जो अभी तक रुझान आए हैं, शाम तक लगभग 136 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो वो जीत बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश की जीत उसके आगे थोड़ी छोटी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप भाजपा जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 17 नगर निगम उसके हो गए, इसमें कोई दो राय, पिछली बार भी थे 16 में से 14 थे, 2 बसपा के पास थे, और वो उन्होंने अपना वर्चस्व बरकरार रखा, अच्छी बात है। नगर निगम के और सभासद सीटों में काफी लखनऊ में अच्छा प्रदर्शन रहा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आकलन करिए, आप अयोध्या के रिजल्ट्स उठा करके देखिए, मैं जो जीता है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ कमी है उस पर बात करूंगा। आप अयोध्या के रिजल्ट्स उठा करके देखिए, अयोध्या में भाजपा को सबसे कम सीटें मिली, अयोध्या में सबसे कम सीटें मिली हैं, वहां निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज्यादा जीते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी जीती है। अलीगढ़ का भी यही हाल है,
अमरोहा का भी यही हाल है, अंबेडकर नगर का भी लगभग लगभग यही हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं, उनका जादू चला है, लेकिन जादू नगर निगम का नहीं चला है। जी। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, किसी इलेक्शन में किसी प्रत्याशी ने नगर निगम के ज्यूरिडिक्शन में जो काम आते हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करी है। किसी ने ये नहीं कहा था कि नगर निगम के स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, वहां पर इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें नगर निगम के बच्चों का नाम कहीं भी नहीं है। क्या बात, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जी। लाइटें, स्ट्रीट लाइटें कितने सुचारू रूप से जल रही हैं, इस पर किसी की चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल। अब की जो बरसात आएगी 1.5 महीने बाद, उसमें कितने शहर तालाब नहीं बनेंगे, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। और गली नालों की सफाई कितनी हुई, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। और मजे की बात क्या है कि विपक्ष ने भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करी है। सही बात। तो सत्ता और विपक्ष की भाषा एक ही थी। हमने लेकिन करी, आम आदमी पार्टी ने करी है? नहीं करी है, आपने भी नहीं करी, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं करी। बहुत थोड़ा सा किया होगा। तकी भाई सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। देखिए, मैं आपको भारतीय संविधान की मंशा बताता हूँ। भारतीय संविधान की मंशा जो नगर लेवल के चुनाव थे, नगर पंचायत के चुनाव थे, लोकल बॉडीज के चुनाव थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा क्यों दिया गया था? जी। कि ट्रिपल लेयर की सरकार बनेगी। जी। ये सरकार अपना नाली, सड़क, नगर निगम के अस्पताल, नगर निगम के स्कूल, स्ट्रीट लाइटें, सफाई, पीने का शुद्ध पानी, ये जो जन सुविधाएं हैं रोजमर्रा वाली, ये सरकार इस पर काम करेगी। बिल्कुल। जो प्रदेश लेवल की सरकार होगी वो कानून व्यवस्था, प्रदेश की इकोनॉमी, रोजगार, शहरों का डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी, इन पर काम करेगी। और केंद्र लेवल की सरकार पूरे देश की स्थिति के अनुसार और इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगी। जी। तो ये जो तीसरे लेयर की सरकार है, ये अपना काम ना तो सुचारू रूप से कर रही है और ना कोई पार्टी इन कामों को हाईलाइट कर रही है। आप किसी भी भाषण में उठा करके देख लीजिए, अपने चैनल पर या किसी भी चैनल पर, इन मुद्दों पर कहीं चर्चा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जीती है, समाजवादी पार्टी हारी है, आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, ये सारे सत्य हैं। लेकिन ये सारे सत्य नगर निगम के मुद्दों के इतर हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं। सही बात, ठीक है। देशबंधु भाई, सबका जवाब आप ही को देना है। त्रि भाई की बहुत शानदार बात रही कि केवल जो चुनाव है वो बड़ा अलग तरीके से लड़ा गया, जनता के मुद्दे गायब, और जीत जो हुई है वो कर्नाटक की जो हार है उससे कमी है। ये हार का गम यहाँ होना चाहिए, नुकसान आपको हुआ है। और जिस तरह विवेक पांडे यहाँ पर हम सब एक एक का नारा लगा रहे थे, तो देशबंधु भाई कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो आपके लिए हो गई, क्योंकि यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी अब। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जनसभाएँ की हैं, रोड शो किए हैं, और रोड शो होने के बावजूद स्थिति ये आई है, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जादू कम हो गया है क्या? देखो भाई, नहीं देखिए गौरव भाई, मैंने सबको सुना और बड़े ध्यान से सुना। जी। देखिए आज का दिन मैंने कहा जो विजयी प्रत्याशी हैं, जी, उनको साधुवाद करने का है, और जीत में ना आत्ममुग्ध होने की बात होती है ना हार में हताश होने की बात होती है। जी। मैंने सबको सुना। देखिए अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात हो, बहुत तार्किक आंकड़े हैं, सबने अपना अपने हिसाब से विश्लेषण किया, लेकिन मैं यही बात कहता हूं, देखिए लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अच्छा। और यह माना जाता है कि लोकतंत्र में जो फैसला, अंतिम फैसला होता है वो जनता जनार्दन कहती। अब चाहे हमारे विपक्ष के सपा हो, चाहे हम सब एक हों, यह तो बहुत बार हुआ है। और 14 से आप देखना होंगे, जितने दो आम चुनाव भी लड़े, विधानसभा भी लड़े और नगर निकाय भी हुए, पंचायत चुनाव भी हुए, इनके हम साथ साथ हैं, फिर हम आपके हैं कौन का नारा, ये तो सर्वविदित है। कभी हम साथ साथ हैं और कब हम आपके हैं कौन है। अच्छा। वो तो सत्ता के जहाँ चाशनी मिलती है वो तो बात की बात है। अच्छा। लेकिन आज विषय यह नहीं है, आज विषय यह है जी कि अगर यह उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहे, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश अगर ये चुनाव को ही हम सेमीफाइनल मान लें, अब तो अगली साल आम चुनाव है, बस कुछ महीने बचे हैं, 8-10 महीने। जी। गौरव भाई आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विश्व के कई देशों के बराबर है। अगर यही जनादेश है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की लगभग 80 सीट आती है। अच्छा।
और जैसे अभी सब लोग विश्लेषण दे रहे थे 200 80 लोकसभा सीटें हैं जी, और आप ये जान लीजिए कि उत्तर भारत जी, उत्तर भारत अगर राजनीतिक समीकरण से देखें तो आंकिकी जो भी गणित का विशेषज्ञ होगा वो ये कहेगा जी कि हम मानते हैं, मैंने तो कहा ही, देखिए पहले चरण 272 चाहिए भाई, संख्या के हिसाब से काम नहीं चलेगा, अगर हाँ हम हैट्रिक मारेंगे। और रही बात आप कह रहे हैं हमारे यह यशस्वी प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री की ही अच्छा प्रेरणा स्रोत तो किए गए कार्यों की ही परिणति है कि हम मानते हैं मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं, नहीं कुछ कमियां तो होंगी, लेकिन जनता जनार्दन भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जनता बेबी भाई मुस्कुरा दिए हमें। हाँ बोलिए, आप बार बार महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र पे भी आता हूँ, आप बार बार महाराष्ट्र की आप नहीं, आप कह रहे हैं खुशी कम गम ज्यादा है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मुझे कह रहे हैं नहीं, हम विपक्षी परिवार कहते हैं, देखिए अब वो किस तराजू से तोलते हैं वही हमने कहा, जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, उनके तराजू में कौन ज्यादा आता है, बजरंग है कि बजरंगबली। अभी मैं आप पुरानी बातों को उठाएंगे तो एक पार्टी ऐसी भी थी अरे जो देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गई, श्री राम परिकल्पना थे, कहानियों में थे, आपके गृह मंत्री ने आपके क्या बयान, अरे देखिए मैंने समाज देखिए मैंने देखिए मैंने अरे आपकी भाषा कौन सी लगती है, नहीं नहीं मंत्री के बयान आप ये बता दिए, मैंने आपके बारे में बोला नहीं, मैंने आपके बारे में बोला नहीं, तो आपको बता दे नहीं, कमरे में बैठ के और चैनल में आके, अरे इसीलिए तो बोला, कहाँ थे चुनाव में, मैदान में तो आए, वो परिणाम ही बता रहे, मैदान में आए, आप तो नजर ही नहीं आए। और कांग्रेस पार्टी आप बता दीजिए, यही एक उत्तर प्रदेश में दो जिले हैं गौरव भाई, आप भी जानते हैं अमेठी रायबरेली, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अमेठी की बहू हूँ, आप बताइए नजर ही नहीं आए धरातल पे। और आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कार्यकर्ता, सुनिए सुशासन के ढोल, नहीं नहीं कोई बात नहीं, यह परिभाषा अभी सुनिए, पुलिस के दरोगा ने पीड़िता, अरे आप दरोगा ने ये कर दिया, एसपी ने ये कर दिया, डीसीपी ने ये कर दिया, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, सुनिए आप अपनी हार का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, देखिए भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, समाजवादी पार्टी क्यों हारी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्यों नहीं निकला, समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं आए, समाजवादी के अखिलेश जी क्यों घूमते रहे, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का मजाक बना रही थी, समाजवादी पार्टी धरती पे क्यों नहीं गई, जनता से क्यों नहीं मिली, थाने पे क्यों नहीं मैनेज किया गया, इत्तासी सही चयन क्यों नहीं किया गया, हमने कौन सी खिचड़ी पकाई, बुहार का फ्रैक्चर आप करते रहिए, इत्मीनान से करिए, बहुत समय है, कल से आपको 10-12 महीने साल भर मिलेंगे, और यह जान लीजिए अगर यही दशा रही तो आने वाले आप चुनाव में भी यही होंगे। अच्छा, और आप जो है यही मैं कहता हूँ ना, भाई के साथ आम चुनाव की बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समाजवाद कमरे के अंदर होता है, अच्छा और हमें मालूम है समाजवादी का समाजवाद जो हमारी सत्ता की होती है, जब सत्ता साथ है तो हम साथ साथ है, और सत्ता अरे इसको लूट करके भेज दिया, आपका मजाक भी देखा है, बुआ बबुआ की सरकार देखी है, दो युवा राजकुमारों की भी जोड़ी देखी है, और कौन कौन से असफल प्रयोग करेंगे, और दुनिया के सारे असफल प्रयोग, चलिए हो गया, आपको बता दें आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता और भारत देश की जनता जानती है, और आपको बता यही हर्ष रहेगा अंकुर भाई अंकुर भाई बोलिए जी, अंकुर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है जी, कट गया जी, कनेक्शन कट गया है, अंकुर भाई दोबारा जोड़ा जाए, संपर्क कट गया, ठीक है, बेबे पांडे बोले, बेबे पांडे भाई कुछ बोल रहे थे, हिजाब बैन करने चले थे, आज अपना मुंह छुपाने के लिए हिजाब ढूंढ रहे कर्नाटका में भाजपा वाले, अच्छा
अरे आप अपना अपना मुंह दिखाइए ना, कहाँ है उत्तर प्रदेश में? मैं तो सामने बैठा हूँ, कैसे? अरे भाई, अरे आप पढ़े लिखे हैं, आपके बड़े नेता उतरेंगे सामने तो बैठा हूँ मैं आपके। अरे माननीय अखिलेश जी उतरेंगे कि नहीं धरती पर? माननीय अखिलेश जी आएंगे? लेवल नहीं अभी उस स्तर। अभी कलकत्ता से वापसी हुई कि नहीं हुई वापसी? अरे कलकत्ता हमारा गठबंधन, हम वापसी करेंगे। अरे अभी गठबंधन में देखूंगा कैसे सरकार बनानी। कलकत्ता से भी मार खा के आए। सुबह आए ना, हम आपके हैं कौन? जनता ने वहाँ भी नकार दिया था, यहाँ नकार दिया कि नहीं? हार गए कि नहीं? ठीक है अंकुर से जरा बोलेंगे, समय। अंकुर भाई जल्दी बात पूरी करिए जी, बोलिए। देखिए गौरव भाई, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, ये अपने स्वयं के मुख्यमंत्री के भाषण को नहीं सुनते हैं। अच्छा। ये अभी शाम को जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है, ये 6 करोड़ जनता का चुनाव है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और आप 23 करोड़ जनता कह रहे हैं। आप चुनाव की जनता को भी निकाय चुनाव में जोड़े दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, 6 करोड़ जनता नहीं सुनी है मैंने बात बोली है भारतीय एक बार पुनः आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आप तार्किक विश्लेषण कीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में उसकी सफलता का स्ट्राइक रेट उतना ही है जितना निगम जो आपके मेयर चुनाव में स्ट्राइक रेट है? भाई 17 के 17 महानगर आपने जीते जी। क्या स्ट्राइक रेट हुआ 17 के 17 का? क्या हुआ? और जिन जगहों पे वोटिंग बैलेट के माध्यम से हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसके स्थान को दिखाया है। ऐसी स्थिति में ईवीएम से आपने वोटिंग कराई और आपका स्ट्राइक रेट 100% पर संदेह तो उत्पन्न होता है ना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब स्टार्टिंग में आप देखिए, जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे उस समय कानपुर जैसी जगह पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई थी, इसी तरीके से कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी ने भी स्टार्टिंग लेवल पे बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे ही बैलेट का आपका क्या कहते हैं ईवीएम से काउंटिंग शुरू होती है, राजनीतिक दल फिर पिछड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संदेह आम जनमानस के भाव में या मन में मनोस्थिति में उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाती है ना। ठीक है सही मोहम्मद तक ही बोलेंगे। तीन खुशियों का मौका है। अच्छा। ये तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बना ली है। अच्छा। और अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ। उसी बात ये कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अच्छा। जो बाय इलेक्शन था लोकसभा का, वो जीत गई है। हाँ। सुशील कुमार जी हमारे मुझे जानकारी है बोली है। जी। इसी ये कि आज हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी का मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा। और दोनों को मैं आपके चैनल के माध्यम से भाभी को संजय सिंह को शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है। आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्सव का, बहुत खुशी का दिन है, और सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत की उन्होंने, इसके स्वरूप आज उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पहुंच पाए हैं। अच्छा। और आप जीत का सही से आकलन करिए। हाँ। आप देखिए, अगर टोटल नगर पंचायत में 201 सीटें बीजेपी जीती है। हाँ। तो जिसमें 544 सीटों में 334 सीटें वो नहीं जीती है। अच्छा। तो 50% से कम से उसका जो है स्ट्राइक रेट है, और यहाँ 199 सीटों में, अरे आधा गिलास भरा है वो देखिए ना, आधा गिलास खाली क्यों देख रहे हैं भाई? सुनिए तो पॉजिटिव रहिए। तो वहाँ पे अगर देखिए तो कोई स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं है। नगर निकाय, अगर आप नगर निकाय में देखिए, तकी भाई कहानी थी ना, आपको पता है ना, आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली। जी जी जी, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ कहानी। कल पेपरों की हेडलाइन में मेरी मेयर होगा। अच्छा। अगर आप आंकड़ों में जाइएगा तो 40% से ज्यादा बीजेपी नहीं जीतती है। अच्छा। बीजेपी हारी है, कर्नाटक में हारी है, बहुत बड़े मानी से हारी है। 63 सीटें वहाँ मिल रही है, 126 सीटें कांग्रेस को मिली है। चलो ठीक है, हो गया, बड़ा अंतर है वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे भी उन्होंने फिर आपको यहाँ जगह मिल गई है, आम आदमी पार्टी जगह मिल गई। ठीक है, अमर साबरी भाई उससे ज्यादा बहुत बड़ी समय का नहीं, इस तरह दिखाई जा रही है। जी
जिस तरीके की चर्चा हो रही है, बार बार लोकसभा का जिक्र आ रहा है, लेकिन गौरव जी एक बात बड़ी इस पर समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में सिर्फ केजरीवाल ही केजरीवाल थे जी, और लोकसभा का जब चुनाव हो गया तो साफ हो गए। हाँ। तो इसको ये नहीं आंका जा सकता इस स्थानीय निकाय चुनाव से कि 2024 में जैसे अभी केशव मौर्य जी ने एक बयान दिया कि हम 80 में तो 75 जीतेंगे जी। मुझे ये मुंगेरी लाल के सपनों जैसा नहीं है, अभी अपनी नगर पंचायत तो जिता ना पाए, आप 80 में से 75 की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप आए थे, जब आए थे, जब आप भावनात्मक करेंगे आम आदमी की भावनाओं से खेलेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन अब ये मुंगेरी लाल के सपने हैं और आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, अरे बारे बारे बोलिए, कहीं नहीं आ रहे, दंगल नहीं है, दंगल नहीं है। गौरव जी आज रिकॉर्ड मेरा रख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी। अरे ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, हर बच्चा बालक जब 2024 में वापसी नहीं हो रही, भविष्यवाणी कर दी यहाँ पर, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ने राजनीतिक विश्लेषण चश्मा लगा के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीनी तौर पर बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ दोहरा रहा हूँ, अगर विपक्ष मजबूती से लड़ा होता आप कहीं नहीं दिखते, 17 तो छोड़ दीजिए, आप साथ पहले रुक, अरे भाई बात तो वो बोल रहा है, विपक्ष नहीं दिख रहा है, अरे आपको आपको पर आपको ये भी बोल दिया कि आप काम करता है, आप सत्ता की देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, प्लीज प्लीज, आप जनता के बारे में बोलना चाहते हैं, हां मैं किसी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, बिल्कुल सच्ची दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, आप बोलना चाहते खाली, आप अपनी सोच ठोकना चाहते हैं, आप ठोकना चाहते हैं, आप सुनिए, आप सुनना भी सीखिए, आप सुनना सीखिए, आप किसी चीज सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए, आप देशबंधु भाई, ये भाई भाइयों का चांस देते रहे, सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी सोच, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, आपको मालूम है, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, प्लीज देशबंधु भाई, प्लीज देशबंधु भाई, 14 सीटें जीती थी तो आपने, तकी भाई, तकी भाई, तकी प्लीज, 17 में क्या कर लेंगे देशबंधु भाई, यहाँ पर आमिर, आप हैट्रिक की बात करते हैं, वो आमिर साबरी ने कह दिया 24 में आप आ ही नहीं रहे। देखिए मैंने आपसे कहा हमने किया है, 74 सीट हम लाए हैं और इस बार 75 लाएंगे 80 में, और जो मैं कह रहा हूँ आंकड़े इस बात के गवाह है, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, भारतीय जनता पार्टी के ये एक एक कार्यकर्ता की श्रम की पराकाष्ठा, इलेक्शन मोड में रहती है, जनता के लिए कोई काम नहीं करती है, आप भी लिख के दीजिए, आप भी लिख के दीजिए, मैं चेक करवा लूंगा कौन जीत हुआ, सारे असफल प्रयोग ये लोग कर लेते हैं और उसके बाद बता दे ठीक रहा, वो करते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बार बार हो गया, हो गया, हो गया, हमेशा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बीजेपी देशबंधु भाई, हो गया, हो गया, देशबंधु भाई, चक्रा हो गया, मुझे आखिर में बनना चाहिए, हो गया, देशबंधु भाई, हो गया, 65 सीटें जीती है, बाकी हारी है बीजेपी। दिलीप भाई यहाँ पर आमिर साहब भी लिख के दे रहे हैं, देशबंधु भाई भी लिख के दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ लिख के रखवा लूँ दोनों से, तभी बेहतर रहेगा, और जो जीत के आएगा उसको दिखा दूंगा। आप भी कह रहा है क्योंकि यहाँ पर फाइनल कमेंट आप ही को देना है जी। देखिए जो भी दावा कर रहा है जी, जी। और इंसान एक गजल है कि जब भी किसी से कोई गिला रखना सामने अपने आईना जी, तो ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं जब ये दावा ठोकते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इन दावों को हकीकत में बदलने के लिए बड़ी मेहनत जी, और वो मेहनत जो आज की सिचुएशन है वो मेहनत डिपेंड करती है जातिवाद पर, एक जाति के मुद्दे पे, क्षेत्र के मुद्दे पे। आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में ना तो ध्रुवीकरण का मुद्दा चला जी, ना बजरंग बली का मुद्दा चला जी, ना हिंदुत्व का मुद्दा चला जी, कोई मुद्दा नहीं चला, सारे मुद्दे फेल रहे। और आपने उत्तर प्रदेश का बुलडोजर भी चलाने की कोशिश करी कांग्रेस में, वो भी नहीं चल पाया क्योंकि आप ये फर्क नहीं समझ पाए। और अगर आप देखिए, अगर आप भाजपा के प्रवक्ता मेरी बात से सहमत तो होंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि अगर आप देखिए तो यहाँ पर मोदी जी की हार हो गई है और योगी जी की जीत हो गई है, ये भाजपा में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा, इंटरनल डिफरेंस पैदा करेगा ये।
आप देखिएगा इस बात को, क्योंकि वहां पर मोदी जी ने पूरी ताकत झोंकी। अरे अरे विश्लेषक है भाई, पार्टी नेता नहीं है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हकीकत को एक्सेप्ट करवाना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए, हर पार्टी की। और मैं जो पार्टी कहता हूँ वो हर पार्टी जी। देखिए मुद्दों पर अगर आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जी। और विपक्ष की भी ये कमी है कि उन्होंने मुद्दों को जनता के सामने ठीक से नहीं रखा है जी। अगर मुद्दों को जनता के सामने ठीक से रखते तो शायद नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन यहाँ पर एक ही मुद्दा सब पे काम करता है कि हमने धारा 370 हटाई, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने इकोनॉमी को पाइपलाइन बना दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, बिजनेस इतना ज्यादा लेना है। और विपक्ष भी इन्हीं बातों को काउंटर करता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, इकोनॉमी डाउन हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। अगर आप हर चुनाव का राजनीति में चीज बहुत जरूरी है। आपसे एक सवाल पूछ लूंगा आपसे जी, पूछिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है हर्षवर्धन भाई, आप सवाल है जी, जल्दी कि अगर मतदाता सूची सही होती, वोटर लिस्ट सही होती तो परिणाम कुछ और होते, अगर 20 दिन के बजाय कुछ और समय मिला होता तो रिजल्ट कुछ और भी होते। एकदम से चुनाव किया गया, चुनाव डिले कर ना किया गया होता, सही समय पर चुनाव होता तो परिणाम कुछ और होते। ठीक है आप इस बात से सहमत है नहीं सहमत है? ठीक है, आप सबके इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर। जो परिणाम सामने आया है वो किसी के लिए खुशी लेके आया है, किसी के लिए गम लेके आया है। और साथ ही कर्नाटक का जो परिणाम आया है वो भी, इस पर भी मंथन होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब सोचना होगा कि कर्नाटक में हम क्यों हारे। बात भी जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से यहाँ पर विश्लेषण किया गया है कि जो विपक्ष है वो था तो पर विपक्ष ने मेहनत नहीं की। अगर बीजेपी के जीत में बीजेपी की 200% मेहनत है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बहुत बड़ा बाकओवर भी है, जिसका परिणाम आज निकाय में सबके सामने आया है। अगर संघर्ष करते, जनसभाएं करते, रोड शो करते, मेहनत करते और इस तपती धूप में अपने आप को तपाते तो कोई इंसान तपता है तो सोना निकलता है, कुंदन निकलता है, और शायद कुछ कुंदन जैसे परिणाम भी विपक्ष को यहाँ मिलते। पर परिणाम जो आए हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपको बेहतर नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसकी पार्टी में आपकी हार भी शामिल है, क्योंकि आपकी कमी ने आपको हराया है और उसकी मेहनत ने उसको जिताया है। इसलिए मैं आज की चर्चा में केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हौसले बेहतर रखते हैं तो परिणाम बेहतर आते हैं, अगर हौसले बेहतर रखते हैं तो परिणाम बेहतर आते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।